वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो 86.10 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कराया है। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दे चुका था स्टॉक, यानी कि 3% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी सेल स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो कोई खास न्यूज नहीं है। हम लोग यहाँ पे चार्ट एनालिसिस पे नजर डालेंगे सेल स्टॉक के लिए। पर पिछले कई दिनों से देखा जाए, लास्ट वन मंथ का चार्ट देखा जाए तो स्टॉक ने तेजी पकड़ी थी। यहाँ पे 90 लेवल रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, पर 6 महीने में देख सकते कि स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छी टॉप थ्योरी अप्लाई करते हुए ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। पर यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे इंपॉर्टेंटली, तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए। तो देख सकते हैं कि तकरीबन ये डेली चार्ट फ्रेम का चार्ट एनालिसिस है, तो देख सकते कि आने वाले वीक में जो है स्टॉक यहाँ पे नीचे भी आता है, 85 लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते कि नीचे कहाँ तक आ सकता है। 80 लेवल यहाँ पे आप देख सकते कि सपोर्टिव लेवल है, उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते कि 84 लेवल भी सपोर्टिव एक्ट हो सकती है स्टॉक के लिए। पर यहाँ पे ऐसे बाउंस बैक होता है ऊपर के साइड, 85 लेवल के ऊपर सेटल होता है और बाउंस बैक दिखाता है, तो देख सकते कि तकरीबन 88 पे रेजिस्टेंस लग सकता है एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 90 लेवल पे लग सकता है। तो यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से भी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे सेल स्टॉक के लिए। फ्राइडे के दिन काफी गिरावट नजर आ चुकी थी, पर रिसेंटली देख सकते कि स्टॉक जो है ये 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस है और रिसेंटली देख सकते कि एक बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है 85 लेवल के करीबन नीचे, तो 85 सपोर्टिव एक्ट हो जाएगा। 85 को ब्रेक डाउन मिलता है तो स्टॉक में थोड़ी सी ज्यादा गिरावट 84 लेवल टू 83 लेवल तक देखने को मिल सकती है, और यहाँ से सेटल होकर ऊपर जाता है स्टॉक, 85 के ऊपर सेटल होता है तो यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन स्टॉक को अगला रिजिस्टेंस जो लगेगा वो 88 लेवल पे लग सकता है, उसके बाद जो है 90 लेवल पे अगला रिजिस्टेंस लग सकता है और बीच में 200 मूविंग एवरेज है वो भी यहाँ पे रिजिस्टेंस एक्ट हो सकती है स्टॉक के लिए।